हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास रेसिपीज़ में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चीज़ उल्टा वड़ा पाव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चीज़ उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 5 आलू, जो अच्छे से बॉईल करके छिलके हटा कर लिए हैं। आधा किलो बेसन लिए हैं, आधा कप चीज़, 2 चम्मच उड़द दाल, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच साबुत धनिया, 3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके लिए हैं, 2 इंच अदरक बारीक चॉप करके लिए हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते बारीक चॉप करके लिए हैं और थोड़े से करी लीव्स लिए हैं। तो सबसे पहले आलू को इस बाउल में ट्रांसफर करेंगे, आलू को स्मैश करके लेंगे। आलू को स्मैश करके ले लिए हैं, तो अभी इसके लिए तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड करेंगे उड़द दाल। उड़द दाल को हल्का सा लाल होने देना है। हल्का सा लाल हो चुका है तो इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, साथ में ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च, करी लीव्स, हल्दी भी साथ में ऐड कर देंगे। हल्दी 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। हल्का सा लाल होने तक हम इसे भून लेंगे। हल्का सा लाल कलर हो चुका है तो इसमें ऐड करेंगे राई। अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। राई को चटकने तक भून लेंगे। राई चटक रहे हैं तो इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते, थोड़े से ऐड करेंगे तो मिक्स करके ले लेंगे। अभी मिश्रण रेडी हो चुका है तो इसे अभी हम आलू में ऐड करेंगे। मिश्रण को आलू में ऐड करेंगे। और बचे हुए धनिया के पत्ते भी इसमें ऐड करेंगे। चम्मच के माध्यम से इसे अच्छे से स्मैश कर मिक्स करके लेंगे। मिश्रण को आलू में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ले लिए हैं, तो अभी इसके हम गोले बनाकर ले लेंगे। तो इसी तरह और भी गोले बनाकर ले लेंगे। सभी गोले रेडी करके ले लिए हैं, तो अभी हम वड़े के लिए बैटर रेडी करके ले लेंगे। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 5 चम्मच से भी कम मिर्च पाउडर, इसमें पानी ऐड करके बैटर रेडी करके ले लेंगे। Thank you.
बैटर रेडी कर कर ले लिए हैं और यहाँ पे लिए हैं नरम पाव। तो नरम पाव को हम कट कर कर ले लेंगे। और इसी तरह बाकी के नरम पाव कट कर कर ले लेंगे। हल्का सा लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे चीज। इसमें ऐड करेंगे वड़ा और इस पर और थोड़ा सा एक एक चम्मच चीज डालेंगे। और ऊपर का हिस्सा हम इसे ऐसे प्रेस करके रख देंगे। इस तरह से ढक देने हैं। तो स्टफिंग भर दिए हैं तो अभी हम इसे बैटर में डिप करके ऑयल में डिप फ्राई कर लेंगे। अब इसे ऑयल में डिप फ्राई कर कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए थे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें डिप फ्राई कर कर ले लेंगे। गोल्डन कलर होने तक डीप फ्राई कर कर ले लेंगे। हल्का सा लाल कलर हो चुका है तो अभी हम इसे ऑयल से हटा देंगे। और इसी तरह बाकी के भी डीप फ्राई कर कर ले लेंगे। अभी हम कट करके दिखाएंगे। खाने के लिए चीज़ उल्टा वड़ा पाव रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।